हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान और नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है, और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। प्रदेश में सतत विकास की महत्ता, बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिलाने और सभी विद्यालयों में पठन पाठन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े कन्वर्जेंस कार्यक्रम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प राज्य सरकार का एक अति महत्वाकांक्षी अभियान है। अब तक प्रदेश के 50,000 से ज्यादा परिषदीय विद्यालयों को इन मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित किया जा चुका है। शेष विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से कायाकल्पित करने का कार्य सतत रूप से चल रहा है, जिसे मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। संतृप्तिकरण के इन कार्यों की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा किया जा रहा है। आज प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त होकर 5-स्टार रैंकिंग की ओर बढ़ते हुए एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित और परिभाषित हो रहे हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाने वाले अभिभावक भी आज ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता के कारण बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिससे अब विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा आज विद्यालयों में जो सुखद बदलाव आया है, वो साफ तौर पर प्रत्येक स्तर पर दिखना शुरू हो चुका है। बदलाव के इसी सफर के साक्षी बन पूर्वांचल के प्रमुख जनपदों में से एक गोरखपुर के बरहौन का मॉडल कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बगही भारी, गोरखनाथ कन्या प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली और जीतपुर के प्राथमिक विद्यालय जैसे अनेक विद्यालयों की बदलती हुई दशा अब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है। अब यहाँ रंग रोगन की हुई चार दीवारी और गेट से घिरा विद्यालय प्रांगण अपने छात्रों को सुरक्षित माहौल देने के साथ ही कायाकल्प के महत्वपूर्ण घटकों जैसे शुद्ध पेयजल, छात्र छात्राओं के लिए पृथक रूप से बनाए गए बाल मैत्रिक शौचालय और मल्टीपल हैंड वॉशिंग स्टेशन आदि सभी से परिपूर्ण है। शासन के निर्देश के अनुसार कायाकल्प का अभियान हम लोग सारे विभाग मिलकर चलाए। हम उम्मीद करते हैं और भी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने छूटे हुए हैं, उन्हीं के भी शामिल कराते हुए कोई भी बच्चे जो पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे गोरखपुर में, उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। कायाकल्प आने के बाद जो हमारी रिस्पेक्ट है वो गांव में बढ़ी है, समाज में बढ़ी है और हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। बच्चों की कक्षा के अनुरूप उचित फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, टाइल से सुसज्जित कक्षाओं के साथ ही विद्यालय प्रांगण भी इंटरलॉकिंग टाइल से सजे दिख रहे हैं। कविता कहानियों के सुंदर चित्रों से सजी दीवारें छात्रों को सहज बनाते हुए उनमें विद्यालय के प्रति एक अपनापन जगाती हैं। वहीं कंप्यूटर लैब में दुनिया से जुड़ते बच्चे अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे हैं। जिले के सभी विद्यालय इसी रंग रूप में ढलकर अपने छात्रों को समाज की अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने को तत्पर है। वहीं प्रदेश की प्रगति का प्रतीक चिन्ह बन गौतम बुद्ध नगर भी ऑपरेशन कायाकल्प के अभियान से जुड़कर नगला बंजारा के प्राथमिक विद्यालय के साथ ही प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर, प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर, प्राथमिक विद्यालय गढ़ई, प्राथमिक विद्यालय जगनपुर और इन जैसे अधिकांश विद्यालयों में कायाकल्प के घटकों को चरणबद्ध रूप से संतृप्त करा रहा है। यह स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था के साथ ही बच्चों में आपसी प्रेम और बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए मिड डे मील शेड का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और रोज नया सीखते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ऑपरेशन कायाकल्प अपने उद्देश्यों की पूर्ति में शत प्रतिशत सफल हो रहा है। आज मेरे स्कूल में बच्चों के न केवल बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, टेबल्स हैं, स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट प्रिंट रिच हो चुका है। हमें
फिल्टर का पानी मिलता है, साफ टॉयलेट मिलता है, यहाँ के हेड मैम बहुत अच्छे हैं। अब बच्चों के उज्जवल भविष्य की चमक इनकी आँखों में साफ दिखाई पड़ने लगी है। गाजियाबाद भी अपने विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के सभी आयामों को छूकर बदलाव की वही तस्वीर प्रस्तुत करता दिखता है जिसकी परिकल्पना प्रदेश सरकार ने की थी। कंपोजिट विद्यालय अफजलपुर, कंपोजिट विद्यालय सारा, प्राथमिक विद्यालय डासना और प्राथमिक विद्यालय मेवला भट्टी जैसे अधिकतर परिषदीय विद्यालयों के गेट के बाहर से ही ऑपरेशन कायाकल्प के परिणाम दिखाई पड़ने लगते हैं। विद्यालय की चार दीवारी पर चित्रित रेलगाड़ी हो या विद्यालय के मैदान पर दौड़ते बच्चे, सब बदलाव की इस बयार में कदम ताल मिला रहे हैं। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए इंसिनरेटर की भी उचित व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। यहां के जो शौचालय है, पीने का पानी है, यहां की पढ़ाई भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में से इस वाले स्कूल में डाल दिया है। NCERT की पुस्तकों से युक्त पुस्तकालयों और रीडिंग कॉर्नर के अलावा बच्चों में विज्ञान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए साइंस लैब के साथ ही स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था इन विद्यालयों में की गई है। यहाँ सीढ़ियाँ भी छात्रों को बाला चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हुए जीवन में उतार चढ़ाव के साथ निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के इस अभियान में जिला अधिकारी से लेकर शिक्षकों तक की सहभागिता से जनपद मेरठ के आदर्श कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय शौलदा, कंपोजिट विद्यालय टांडी, कंपोजिट विद्यालय भेलोपुर के साथ ही प्राथमिक विद्यालय रचपुरा जैसे ज्यादातर विद्यालयों में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ अवस्थापना सुविधाओं को बाल मैत्रिक दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित किया गया है। कायाकल्प योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को शौचालय का व्यवस्था है, पेयजल का व्यवस्था है और फर्नीचर की व्यवस्था है, स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनपद मेरठ के विभिन्न विद्यालयों में अवस्थापना संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की है। सभी जो हमारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, इंटरलॉकिंग टाइल्स, इस तरह के जो कार्य हैं उससे संतृप्त करने की कोशिश की है। हमारे स्कूलों में अब चार दीवारी है, बच्चों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता है, अच्छे ग्रीन बोर्ड हैं और ये स्कूल भी अब हमारे सरकारी स्कूल भी बिल्कुल प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते नजर आते हैं। कक्षाओं को आधुनिक बनाते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। विद्यालयों के सुसज्जीकरण में बच्चों की छोटी छोटी रुचियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए कक्षों में नृत्य संगीत सीखती छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है। साथ ही बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। प्रकृति से बच्चों को जोड़ने के लिए उपयुक्त किचन गार्डन की व्यवस्था भी किचन शेड के साथ यहां दिखती है। ऑपरेशन कायाकल्प के इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन मुहिम बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के सुनियोजित और सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा सहभागी बन अपना अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही बच्चों में स्वच्छता संबंधी आदतों को व्यवहार में लाने के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है जिससे बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आदतों को आत्मसात कर सके और विभिन्न संक्रामक बीमारियों और COVID-19 जैसी महामारी से स्वयं को सुरक्षित कर सके। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते समय दिव्यांग सुगम्य अभिगम्यता का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हुए दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैंप और रेलिंग निर्माण के साथ दिव्यांग सुलभ शौचालयों को भी अनिवार्य रूप से निर्मित किया जा रहा है। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के जीर्णोद्धार और नव निर्माण कार्यों को बाल मैत्रिक दृष्टिकोण से संतृप्त कराए जाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से एक टेक्निकल मैनुअल बनाकर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानों और ग्राम सचिवों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिससे विद्यालयों में इन कार्यों को सुचारू रूप से कराया जा सके। कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा ऐप से जियो टैगिंग द्वारा नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही राज्य स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर
और विकास खंड स्तर पर प्रेरणा डैशबोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विद्यालयों में इन मूलभूत सुविधाओं की संतृप्ति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, नगरीय क्षेत्र की विभिन्न निधियों और CSR फंड इत्यादि के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। आज गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ जनपद के ये विद्यालय तो बस कुछ उदाहरण मात्र हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक, प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ऐसे अनेकों परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो शिक्षण व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन कायाकल्प द्वारा प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से समाज के प्रत्येक वर्ग के मन में अपने बच्चों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आशा जागी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उपयुक्त परिवेश और सभी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के कारण आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब शिक्षा के साथ ही बच्चों में सहयोग, वाद संवाद का कौशल और नवीन व रचनात्मक सोच विकसित हो रही है। हमारे ये नौनिहाल नई स्फूर्ति, ऊर्जा, उमंग और आत्मविश्वास के साथ नए उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रहे हैं।